सच दर्शन। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस कदर दबंगों की जेब में है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मामूली कहासुनी को लेकर इलाके के आप पार्टी से छुटभैया नेता बिल्डर व भू माफिया ने एक महिला के घर पर सरेआम महिला और उसकी बेटी की पिटाई की और परिवार को धमकाकर फरार हो गई। वहीं आरोपियों की सारी हरकतें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ऐसे में हैरानी की बात तो तब हुई जब पीड़ित महिला और उसके परिवार की फरियाद निहालबियर थाना पुलिस ने भी नहीं सुनी और उल्टा पीड़ित महिला को ही धमकाकर थाने से भगा दिया। मामला ये था कि मैंने एक ग्राम सभा लैंड के लिए जो है केस डाला था इसमें कोर्ट में और दावा डाला था। हम तीन लेडीजें थी जिसमें और दो लेडीजों को डरा के धमका के हटा दिया गया वहाँ से। उसके बाद जो है अभी एक केस और दर्ज है इसी मामले से रिलेटेड क्रिमिनल केस जो कि 268 कोर्ट नंबर में है 30,000 कोर्ट में। और जो है इसी से रिलेटेड ये जो बिल्डर है वो जो बना रहे उन्हीं के साथ मिले हुए 4-5 लोग और वो बिल्डर यहाँ आया कल और गाली गलौज करने लगा। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब लड़ाई मत करो, बैठ के आराम से बात कर लो, तो और ज्यादा गाली गलौज करने लगा। मेरे घर के अंदर घुसा और मुझे बाल खींच करके बाहर ले गया निकाल करके और बाहर मारा। मेरी बेटी ने जैसे बीच बचाव किया बीच में तो वो बोलने लगा, मेरी बेटी को धक्का दिया और फिर उसके बाद और गंदा गाली गलौज करने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, तुम लोगों का बहुत बुरा हाल कर दूंगा और तुम्हें यहाँ से बहुत बुरी बेइज्जती करके तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, इस तरीके की बातें करने लगा और गालियां कर रहा था बहुत ज्यादा। फिर मेरे घर के अंदर जबरदस्ती घुसा है, घर के अंदर घुसने के बाद फिर मारपीट की उसने और मेरी बेटी ने छुड़वाने की कोशिश की तो मेरी बेटी को भी मारा उसने इसी तरीके से और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस में मैं गई, ऐसे तो कहते हैं कि आपने इनका रास्ता बंद कर रखा था, आपने इनका अंदर आने का रास्ता बंद कर रखा था। अब उनका बंद कर रखा था तो जाहिर सी बात है हम कैसे आ रहे जा रहे अपने घर में, दो फ्लोर उसके भी है मेरी बिल्डिंग के अंदर, तो हम लोग भी तो आ रहे जा रहे, सभी किराएदार आ रहे जा रहे, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। वो यहाँ रहता भी नहीं है फिर भी उसके लिए इतनी प्रॉब्लम है उसे। ऐसे तो ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ये तो उन्हीं की सोच है, वो उन पार्टी को शुरू से ही सपोर्ट कर रहे। जब से एक ग्राम सभा लैंड का मैंने मुद्दा उठाया है इसके ऊपर एक सामाजिक तौर पे कि यहाँ पर जब ये पार्क की जगह थी बच्चे खेलते थे यहाँ पर, तो यहाँ पार्क ही बना रहे हमारे बच्चे खेले सड़क पे रोड पे खेलते हैं बच्चे, कोई भी गाड़ी वाला मार जाता है, कभी कोई बच्चा किसी को मार दिया, कभी किसी बच्चे को मार दिया। तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि ये पार्क ही बना रहे हमारे घर के सामने और ये मुद्दा उठाया तो पुलिस वालों ने तो खड़े होकर ये इसमें कब्जे करवाया, अवैध कब्जा उनका सपोर्ट करा है शुरू से सामने वाली पार्टी का, जो कि यहाँ गुंडा राज खुला राज हो रहा है और वहाँ जाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है न्याय विहार थाने में, कोई बात नहीं सुनी जाती है। एक बार बीच में मेरी बिल्डिंग में चोरी भी हुई जो मेरी गवाह बनी हुई थी इसी केस के अंदर और वो गांव गई हुई थी और मैं जब उसके साथ वहाँ गई थाने में तो ऐसे तो मेरा भाई फेस देखते ही बोलते है तो रोज आती रहती है और ना ही एफ आई आर दर्ज करी मेरे घर से जबकि कैमरे लगे हुए, ना ही इंक्वायरी करी है कि गेट के अंदर से कौन कौन लोग एंट्री कर रहे हैं, कौन चोर है, कौन बाहर का है, कौन, कोई इंक्वायरी नहीं। ये लगभग 500 गज स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर शुरू में जैसे यहाँ बच्चे बच्चे खेलते थे, हमने लोग प्रोग्राम भी कराते थे, मैंने भी एक प्रोग्राम कराया जागरण जिसका वीडियो है मेरे पास और यहाँ पर भी। उसके बाद 4-5 महीने बाद कुछ लोग यहाँ पर आते हैं कि हम इसके मालिक हैं और इसको नापने लगते, तो हमने बोला भैया आप अपना नंबर और एड्रेस दे दो हमें, आप इनके मालिक है तो कि नहीं वो तो हम नहीं देंगे और बॉम्बे से आए हम तो बॉम्बे की पार्टी है। तो फिर हमने बोला कि आप इनके मालिक नहीं हो, हम भी तो इतने टाइम से रह रहे हैं यहाँ और पड़ोस में पड़ोसी जल्दी नंबर देता है कि मेरी चीज का ख्याल रखना। तो फिर कुछ दिन बाद 15-20 दिन के बाद फिर आती है दूसरी पार्टी राजस्थान की यहाँ पे, फिर हमें इसमें शक हुआ, हमने इसके जो है पेपर निकलवाए, पेपर निकलवाने में यहाँ जो ये पंजाबी नांगलोई SDM यहाँ गई तो मुझे यहाँ से पटवारी ने बताया इसके पेपर निकलेंगे रामपुरा। मैं रामपुरा गई, वहाँ से मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने का फॉर्म भरा जो कि मेरे एक महीने के बाद मुझे पेपर वहाँ से रिसीव हुए 5 जनवरी को। ग्राम सभा लाइन में वेस्ट हो चुकी है,
वो सारे उसमें खसरा नंबर लिखे हुए हैं। ये मेरा ये 11/19 खसरा नंबर आता है। अवैध कब्जा कर रहे हैं। ग्राम सभा की लैंड तो वो होती है जहाँ लोग पंचायत से करते हैं, या धर्मशाला या पाठशाला या की मंदिर बना दिए जाते हैं। ग्राम सभा की जगह ना बेची जा सकते ना खरीदी जा सकती। ऐसे में पीड़ित दया का आरोप है कि निहाल विहार थाना SHO भी इन बिल्डरों और भू माफियाओं के साथ मिलकर ग्राम सभा की जमीन को कब्जा कराने की कोशिश में है, जिसके चलते महिला के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ निहाल विहार थाना पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। ऐसे में पीड़ित दया अपनी फरियाद को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, जहां दया ने लिखित शिकायत पुलिस हेडक्वार्टर में दी है। वहीं अभी तक पूरे मामले का CCTV फुटेज आने के बाद भी पुलिस ने आरोपी लोगों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है। आउटर दिल्ली के निहाल विहार इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन। अगर आपको सच दर्शन का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबाएं और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को दबाकर हमारे चैनल के सदस्य बनें और नीचे दिए हुए एक बेल को भी दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वहीं अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।